दोस्तों आज की हमारी यात्रा होगी चंडीगढ़ इंदौर चंडीगढ़ वीकली एक्सप्रेस में, जो कि 23 घंटे 30 मिनट में 1170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और बहुत तेज़ गाड़ी है। मोस्टली स्टेशन पर नहीं रुकती, बहुत ही अच्छी ट्रेन है, इसलिए इस ट्रेन को आज हम फुल जर्नी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों आज इंदौर के अंदर चलते हैं, ट्रेन को बोर्ड करते हैं। आज की हमारी यात्रा जो होगी वो स्लीपर क्लास में होगी और पीछे ही लगी हुई है इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों बोर्ड करते हैं और हमारी सीट मिली हुई है 56, देखते हैं कहाँ पे है, साइड लोअर है या कौन सी है, चेक करते हैं। चंडीगढ़ एक्सप्रेस 5:30 पर साइड लो, साइड अपर, साइड अपर अभी हो रही है अपने को 56। पानी आ रहा है हल्का फुल्का और सही है सिस्टम। बड़ोदरा साइड का WAP7 लगा हुआ है इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस। कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो टोटल 23 कोच लगे हुए हैं, जिसमें से एक फर्स्ट एसी का, 2 सेकंड एसी के और 6 थर्ड एसी के, 8 स्लीपर क्लास के, 3 जनरल क्लास लगे हुए हैं और 2 SLR, 1 SLR, 1 EOG, 1 उज्जैन तक को जनरेटर कार को जाएगा। तो टोटल 23 कोच लगे हुए हैं। मैं स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहा हूँ तो इसके मैंने पे किए हैं 650 रुपये इंदौर से चंडीगढ़ तक। दोस्तों फर्स्ट एसी का किराया लगेगा 3500 रुपये करीब और सेकंड एसी का किराया लगेगा 2000 रुपये और थर्ड एसी का लगेगा 1500 के समथिंग। तो बाकी फेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट या फिर रेलवे काउंटर पर जाकर ही जानकारी लें। और 2 मिनट में हमारी ट्रेन छूटने वाली है। मैं बता दूँ, लोग इंदौर आते हैं भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, और उज्जैन पास ही पड़ता है यहाँ पे महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है ये। समय से इंदौर से छूटती हुई 4 नंबर प्लेटफॉर्म से 5:30 बजे मॉर्निंग में। इंदौर से निकलती हुई दोस्तों इंदौर का 5 और 6 प्लेटफॉर्म नंबर इधर से अलग बड़ी दूरी पर है WAP4। इंदौर गांधीनगर आई है अभी। इंदौर जोधपुर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है, जो 5 और 6 नंबर से थोड़ी दूर है इंदौर रेलवे स्टेशन के 4 और 5 से। खड़ी है डॉक्टर अंबेडकर नगर, यशवंतपुर। देवस जंक्शन पर पहुंचती हुई ट्रेन भिंड ग्वालियर इंदौर रतलाम एक्सप्रेस।
दो नंबर पर अराइव करती हुई। 16 मिनट की डिले चल रही है हमारी ट्रेन 38 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद देवास जंक्शन पहुंची है। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक यहाँ से लाइन मक्सी होते हुए भोपाल की ओर चली जाती है और एक अब जिस पर हम चल रहे हैं इंदौर उज्जैन सेक्शन, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। वैसे देवास के अंदर माता का मंदिर है जहाँ पर लोग सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं और पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है तो नवरात्रों में बहुत ज़बरदस्त भीड़ लगती है यहाँ पर। देवास से डिपार्चर होता हुआ देवास जंक्शन से ये लाइन अलग हो गई कुछ ही और हम चढ़ चले हैं उज्जैन की। UJN स्टेशन कोड महाकाल नगरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मॉर्निंग में उज्जैन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करते हुए इंदौर चंडीगढ़ वीकली एक्सप्रेस। नाश्ते के लिए पोहा समोसे ब्रेड। इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस ने 79 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके उज्जैन जंक्शन पर पहुंचाया है आधा घंटा बिफोर। दोस्तों उज्जैन जिसका स्टेशन कोड है UJN और यहाँ पर कुल टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स हैं और नंबर ऑफ होल्टिंग ट्रेन की बात करूँ तो 148 ट्रेन का डेली होल्ट है। 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 9 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं उज्जैन से। वेस्टर्न जोन के रतलाम डिवीजन के अंडर आता है उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन उज्जैन नगरी। दोस्तों उज्जैन को जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से उज्जैन के लिए एक भोपाल के लिए लाइन गई हुई है और एक नागदा सेक्शन है और एक चंद्रवती गंज फतेहाबाद चंद्रवती गंज के लिए भी लाइन गई हुई है और एक हम जिससे आ रहे हैं इंदौर देवस होते हुए इंदौर देवस उज्जैन सेक्शन, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। और उज्जैन का तो आप सभी को पता है भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे प्रमुख यानी दक्षिणामुखी शंभू ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में ही है और यहीं पर सभी भक्तजन इसी चीज़ भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। जय श्री महाकाल। अब तक हमारा इंजन लोकोमोटिव आगे चल रहा था, अब हम सबसे पीछे हो जाएंगे, यहाँ से लोकोमोटिव हटकर आगे की ओर चला जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में मक्सी शिवपुरी होते हुए गुना होते हुए हम पहुंच जाएंगे रुतियाई गुना होते हुए हम पहुंच जाएंगे ग्वालियर जंक्शन। ये हमारा लोकोमोटिव DHR अटैच हो गया बड़ोदरा शेड का WMP7, अभी आगे की ओर लग जाएगा। नंबर प्लेटफॉर्म से निकलती हुई 12 मिनट की देरी से
देवस इंदौर मक्सी लाइन, देवस इंदौर मिलती हुई मक्सी जंक्शन पर यह लाइन, मक्सी जंक्शन पर अराइविंग करती हुई समुद्र तल से 509.91 इंच आई। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन पहुंच गई है मक्सी जंक्शन अपने तीसरे हॉल्ट पर, और जो 10 मिनट बिफोर पहुंची है यहां पर ट्रेन। बात करूं मक्सी जंक्शन की, मक्सी जंक्शन पर 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहां पर कुल टोटल 17 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीज़न के अंडर आता है। मक्सी जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक लाइन जिस पर हमारी ट्रेन जा रही है ये रूठियाई की ओर जा रही है, शिवपुरी गुना होते हुए ग्वालियर को जाएगी, और एक लाइन भोपाल सेक्शन और एक देवस होते हुए, एक देवस के लिए गई हुई है, देवस होते हुए इंदौर के लिए गई हुई है, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। मक्सी फेमस है जैन धर्म के अनुयायियों के लिए, मक्सी पारसनाथ जैन मंदिर धाम है यहाँ पर। ट्रेन हमारी इतनी बढ़िया है कि हर स्टेशन पर लेट भी हो रही है और बिफोर भी पहुँचा रही है, और एक नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होता हुआ मक्सी के। ऐतिहासिक पिक्चर फ्रॉम मक्सी जंक्शन। IC 983 कोटा इंदौर एक्सप्रेस। ब्यावरा राजगढ़ BRRG स्टेशन कोड। 237 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है ब्यावरा राजगढ़, जिसका स्टेशन कोड है BRRG, और 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है यहां पर। 36 ट्रेन का डेली होल्ट है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन के अंदर आता है, और यह जगह श्री श्याम जी मंदिर के लिए फेमस है और मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। 39 मिनट की देरी से चल रही है राजगढ़ तक यह ट्रेन इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस। झांसी चंडीगढ़ W87 एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी, इसको से डिपार्चर हो रहा है ब्यावरा राजगढ़।
डीजल की गैंग लगाता WDG4 गुना जंक्शन पे। गुना जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई 10 मिनट पहले 334 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है मध्य प्रदेश के गुना, जिसका स्टेशन कोड है GUNA। और यहां पर कुल टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 66 ट्रेन का डेली होल्ट है। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन के अंडर आता है। आज 6 अप्रैल 2023 है और आज श्री हनुमान जी की जयंती है और यहाँ पर गुना में हनुमान टेकरी बहुत फेमस है। तो जय श्री हनुमान जी, यहाँ भी हनुमान टेकरी जरूर देखने जाए, वो विश्व प्रसिद्ध है। गुना में खाने का ऑर्डर दिया था और थाली आ चुकी है अंदर, जैसे ही डिपार्चर होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गुना से निकलते ही आपको दिखाता हूँ खाने कैसा है। पानी रिफिल हो रहा है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होता हुआ गुना के चंडीगढ़ एक्सप्रेस का। गुना जंक्शन से डिपार्चर, ₹45 की थाली। साथ में बड़े भैया, कैसी है थाली भैया, खाना कैसा है? बढ़िया एकदम बढ़िया। पुरी में अराइविंग करती हुई इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस 436 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है मध्य प्रदेश के शहर शिवपुरी, जो संगमरमर की छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की और यहाँ की कोकोनट बर्फी भी बहुत स्वादिष्ट और विश्व प्रसिद्ध है। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन और जिसका स्टेशन कोड SVPI और यहाँ पर टोटल 30 ट्रेन का डेली होल्ट है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन और डिवीज़न भोपाल ग्वालियर इंदौर रेल लाइन पे बना हुआ ये शहर शिवपुरी। एक नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होता हुआ शिवपुरी नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन। वंदे भारत कमलापति, वंदे भारत, वाह वाह वाह, निकल जो नई नवेली वंदे भारत रानी कमलापति भोपाल, वाह वाह वाह।
ग्वालियर जंक्शन से निकलती हुई। नई नवेली है बिल्कुल। हाँ 8 डिब्बों की होती है, ज्यादा नहीं होती है। ग्वालियर में एंट्री होती हुई 561 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है ग्वालियर जंक्शन, मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत सिटी में। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर हमारी ट्रेन का 8 मिनट का स्टॉप है, 6:10 पर निकलेगी। ग्वालियर में देखने लायक जगह है ग्वालियर का किला, गुजरी महल और सूर्य मंदिर ग्वालियर। ग्वालियर का स्टेशन कोड है GWL। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और 170 ट्रेन का डेली होल्ट है। 11 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 11 ट्रेन टर्मिनेट होती है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के झांसी डिवीजन के अंडर आता है। ग्वालियर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं, एक लाइन इटावा के लिए गई हुई है यहाँ से, एक शेरपुर के लिए गई हुई है, दिल्ली चेन्नई मेन लाइन है और ग्वालियर भोपाल सेक्शन, और एक सेक्शन से हम आ रहे हैं ग्वालियर इंदौर सेक्शन से, इसलिए इसे जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, मेन जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। और इंडियन रेलवेज की ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। आज का ब्लॉग बहुत ही बड़ा बन चुका है दोस्तों, आज के ब्लॉग ग्वालियर में ही एंड करते हैं। जर्नी की इंदौर चंडीगढ़ ट्रेन जर्नी के पार्ट 2 में। जय हिंद दोस्तों।